अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक ज़ोम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आप लोग अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में अपने किसी भी फोल्डर को लॉक कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कोई ऐसा पर्सनल फोल्डर पड़ा हुआ है जिसको आप लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप लोग अपने उस फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक की मदद से। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं, उसका नाम है टॉप डाटा प्रोटेक्टर। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने से आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाएं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग अपने फोल्डर को बहुत ही आसानी से लॉक कर सकते हैं, इसकी मदद से कोई भी आपके फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके अलावा आप लोग यहाँ से अपनी फाइल्स, फोटोज़, वीडियोज़ और डाटा वगैरह को लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आप लोग इनकी तमाम डिटेल देख सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्री डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करें, उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉलिंग प्रोसेस बहुत ही आसान है और तो थोड़ी ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे ऊपर अपना ईमेल लिखें, उसके बाद अपना पासवर्ड लिखें, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड लिखें, उसके बाद क्रिएट अकाउंट के आइकन पर क्लिक कर दें। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप लोग अपने फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऐड के आइकन पर क्लिक करके आप लोग अपना वो फोल्डर सेलेक्ट कर लें जिसको आप लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके के आइकन पर क्लिक कर दें। तो आप लोग देख सकते हैं ये फोल्डर यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अनप्रोटेक्ट और रिमूव। तो आप लोग यहाँ से इसको अनप्रोटेक्ट या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इस फोल्डर को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। तो जब तक आप लोग उसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये फोल्डर ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यू हैव बीन डिनाइड परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे रिमूव करना है। तो उसके लिए दोबारा सॉफ्टवेयर को ओपन करें, उसमें अपना पासवर्ड एंटर करें, उसके बाद लॉगिन करें। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड पर एक्शन के आइकन पर क्लिक करें। तो यहाँ से आप लोग इसको अनप्रोटेक्ट या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव के आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, अब ये फोल्डर ओपन हो चुका है। इसी तरह आप लोग इसमें किसी भी फोल्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो उधर से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। तो इसकी प्राइस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग इसको एक मंथ के लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो ये $19 का है, और अगर एक साल के लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो ये फिर पर मंथ आपको $2.08 का पड़ेगा, जो कि 50% ऑफ है। तो अगर आप लोग इसको 1 ईयर के लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो पर मंथ आपको $0.83 का पड़ेगा, तो जो कि 79% ऑफ है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।